बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक मंजरी, उसका पाठ 14। इससे पहले के सभी पाठ और कविताएं अपलोड किए जा चुके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़कर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर कक्षा 7 मंजरी सभी पाठ, वहां पर सभी पाठ पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में साधन संपन्न परिवार की एक छोटी लड़की के माध्यम से निर्धन एवं असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा की गई, यानी कि जो संपन्न परिवार के बच्चे हैं उनको, जो असहाय बच्चे उनके प्रति कैसे संवेदनशील बने। तो स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने ना तो खाना ही खाया, ना पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से हाथ होकर तुलतुल यही दौड़ी आई थी। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुर का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। तुरंत माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं, जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टुनी की माँ का काम छोड़कर भाग गई है। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ को की हाँ में आँख मिलाकर बोली, माँ ठीक करे, इसलिए ये उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे। उसी से तंग आकर टुनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ तुलतुल। जब किसी को कहा कुछ सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। लेकिन क्या तुलतुल ऐसे खाना खाएगी? तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती, पर तुलतुल रोई नहीं बल्कि ये सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह से तंग किया था। कल स्कूल से लौटते ही महरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था, ओ टुनी की माँ, इतनी ठंड में टुनी को सिर्फ फ्राक पहनाई है और उस पर उससे चाय के बर्तन धुलवा रही है। टुनी की माँ बोली, हर रोज थोड़े ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर भर उठा देती है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, ये भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। ओहो, और फिर टुनी की माँ को आश्चर्य से भरी आंखों देखकर तुलतुल बोली, उफ तुम तो इस बात के माने ही नहीं समझोगी, सुनो हमारी मिस ने कहा है। टुनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा? अरे बाबा, हमारी स्कूल की मास्टर दीदी समझी कुछ, उन्होंने कहा है ये जो नया साल चल रहा है, ये साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है, इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज़्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना पड़ेगा, रोकना पड़ रहा है। और बात यह है कि शायद समाज सुधारक नहीं कहते, तुम बड़े समाज सुधारक, तो शायद उसी की सजा तुलतुल को मिलने वाली है। चलिए, अच्छा अच्छा खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े उनका ख्याल रखना होगा, बच्चों से कोई काम नहीं करवाएगा। बात समझ में आई? टुनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में। और फिर अपनी लड़की से कहा, मुंह फाड़े बात निकलने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी यहाँ चला। तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझिए, खबरदार टुनी, जो तुमने फिर पानी छुआ, इतनी ठंड और उससे यदि ठंडे पानी में हाथ डूबकर चाय के बर्तन धो रही हो, कह रही हूँ छोड़ दे। तुलतुल की मिस ने कहा, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, यानी कि जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को यदि हम सिर्फ थोड़े प्यार की आंखों से देखें, अगर कोशिश करें तो वो भी थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने का कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाए, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। और सही बात है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर हम पढ़ लिख जाएं और अगर हम उन लोगों के लिए कुछ ना करें जो पढ़ नहीं पाए, तो निश्चित ही सबसे बड़े दोषी हम ही होंगे, क्योंकि हमने उन्हीं की कीमत पर यहाँ तक की शिक्षा पाई है। जी हाँ, हालांकि तुम सभी अभी बच्चे हो, फिर भी अभी इसे सोचना सीखो, कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान से रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? और फिर टुनी तो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है, ऐसी टुनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर गर्म कपड़े पहनकर गर्म गर्म पूरियां खाएगी। रोज रोज ऐसे ही होता था, ये सच है, पर आप तुलतुल बड़ों की ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई कि ऐसा करना बहुत खराब बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। इसीलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो, और फिर टुनी से कहा, ए टुनी मेरे साथ चल पूरियां खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली, ओ तुलतुल तू बेमतलब में देर क्यों कर रही, पूरियां उसे भी दूंगी, पहले तू खा। क्यों पहले मैं खाऊंगी, तू अभी भी स्कूल से आई, अच्छा टुनी को भी पूरियां दे रही हूँ, तू तो बैठ। टुनी की माँ तुलतुल से बोली, जाओ मुन्नी, देर करने पर माँ डांटेगी। अच्छा क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? टुनी तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ूँ। फिर क्या था, तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का तौड़ा छीन कर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, ये बाल वर्ष है, समझी, बाल वर्ष में बच्चों को काम करना मना, आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी डरी से बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी, मजा चखा दूंगी। इतना कहकर हाँ उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से के 4-5 पूरियां, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टुनी माँ के पास जाकर खा ले। टुनी जान बचाकर भागी। तुलतुल ने मनी मन निश्चय कर लिया, कल से अगर माँ ने टुनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया, बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती, और टुनी
चिड़िया जैसी, उसे कुछ नहीं देती, जानती नहीं माँ ये बाल वर्ष, माँ बोली जानती हूँ, ज्यादा बकबक मत कर। लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ था, लेकिन भूत जमा कर बैठ गया तो कोई चारा भी नहीं। खाना खाने बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही। तुलतुल ने डांट कर नहीं अच्छी तरह से कहा, कल से टुनी ये सब काम नहीं करेगी, कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। क्या ये टुनी की माँ को तंग करना हुआ? तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बात कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवाना चाहिए, और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कापी सब मुफ्त मिलते हैं, टिफिन में खाना भी मुफ्त मिलता। सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, ये नियम हो गया तो फिर टुनी हिसाब हल कर पाएगी, क्यों नहीं, चीखने पर जरूर कर सकेगी, सीखने पर सॉरी, किताब पढ़ सकेगी, पापा जरूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वे लोग आएंगे टुनी को पढ़कर स्कूल में बैठाऊंगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी, आह कल बड़ा मजा आएगा। स्कूल में पहुंचते तुलतुल मिस से जाकर कहेगी, मिस मैंने आपका कहना माना, हमारे घर में जो काम करती उसकी लड़की ही स्कूल में ही तो तुलतुल ने यही कर लिया, स्कूल में मिस के सामने ये सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर वृतान सब ढंग से बात करनी पड़ती। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश हुआ। सोते समय अपनी उसने माँ को निर्देश दिया, कल मेरे साथ टुनी को भी खाना दे देना, माँ टुनी को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देना, समझी ना? माँ नाराज होकर बोली, सब समझ गई, तार तार समझ गई, अब जरा भखना बंद करो और कृपा करके सो जा। तुलतुल तुरंत सो गई। ओ माँ, सुबह उठकर तुलतुल ने देखा ये क्या, सुबह तो रोज की तरह सुबह, पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी ही नहीं, पापा घर पर ही नहीं, और टुनी ज्यों की त्यों फटी फ्राक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही। तुलतुल लड़के नीचे से टुनी को खींचकर बोली, कल क्या खाता? टुनी बेवकूफ की तरह अपनी माँ की ओर देख रही थी। टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया, दिमाग फिर गया क्या? तुलतुल सीधे दुमंजले पर पहुंची और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टुनी को पहनने को हुक्म दिया और बोली, माँ के पापा के लौटते स्कूल जाएंगे समझिए, और उसके पहले तू मेरे साथ खाना का याद रखे। क्या इस तरह टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा, उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था। खाना खाते समय टुनी को देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टुनी अपने पापा से पूछने गई है। क्या पूछने गई? वो स्कूल जाएगी या नहीं, अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही होगा, टुनी की माँ इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पूछने गई है। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है। टुनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना न कर दें, इन लोगों को कोई भरोसा नहीं। अभी अभी तो टुनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम चलेगा कैसे, फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। सुनकर भी टुनी की माँ चुप रही, ये बात घर जाकर वो जरूर कहेगी। तुलतुल जब जूते मुझे पहन रही थी पापा बाजार से लौट आए। तुलतुल बोली, ओ पापा आप बड़े डेंजरस हैं, ये बात वैसे अक्सर पापा ही तुलतुल को कहते हैं। इतनी देर कर दी आपने, टुनी भी देर कर रही है, इसके आते ही स्कूल में लेकर आ जाइएगा, यही पास के स्कूल में भर्ती करवा दीजिएगा। माँ बिना जूते मुझे पहनने भी घुसने देते हैं पापा, टुनी बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, जब वह पास कर जाएगी तब आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे ना पापा, उसके पापा के पास ज़्यादा रुपए नहीं इसलिए नहीं दे सकते, आप तो दोगे ना पापा। फिर पापा का जवाब सुनने से पहले स्कूल की बस आ गई, और अब शाम को बस से उतरते ही उसे सुनना पड़ा कि टुनी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया। सुबह जो अनमजे बर्तन को छोड़कर चली गई थी फिर वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर भी सुगदा भी उसी मोहल्ले की है, माँ ने उसे भेजा था पर टुनी की माँ ने कहलवा दिया कि अब वह काम नहीं करेगी। इसके माने टुनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना था, बकवास था, वह स्कूल के डर से भाग गई। ताज्जुब है कितने बेवकूफ़ हैं वे, घर के जो बड़े लोग हैं उनसे कोई तो टुनी की माँ का दोष नहीं दे रहा है, सभी तुलतुल की बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, और ये सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोग तो जानते हैं बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए, रोज तो अखबार पढ़ते हैं। असल में बड़ों को समझा ही नहीं जा सकता, बड़े लोग कभी कुछ बोलते और कभी कुछ, उनके सभी काम बड़े उल्टे किस्म होते। इस बार की तो बात, तुलतुल जलपाईगुड़ी में नाना के घर गई थी। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद कर दी। उस समय वे क्या बोले थे, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़, तुलतुल जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना, समझी, पढ़ना और उनके आदर्शों पर चलना। ओ माँ, इसके कई दिनों बाद की बात है, जलपाईगुड़ी में बड़ी ठंड पड़ी थी, एक गरीब लड़का एक पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन खोलकर उसे दे दिया। बाप रे बाप, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना, पागल सिरफरी लड़की कहकर नाना जी और भी कुछ बड़बड़ाने लगे। जी हाँ, ये बातें किताबें की हैं, ऐसा लोग कहते हैं ना, कहो विद्यासागर क्या अपने शरीर के कपड़े उतार कर गरीबों को नहीं देते थे? नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी नहीं खरीद कर दूंगा, इतना कीमती उन्हीं कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया, रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वाले के लड़के लड़कियों को देगी? देन पर भी वो क्या कहेंगे, और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों, उनके पास नहीं क्या? नीचे से भैया की आवाज़ सुनाई दी, ये तुलतुल खाना खाने को आज छत पर बैठी क्यों? तुलतुल का मन रोल रहा, पेट में चूहे कूद रहे थे, फिर भी तुलतुल कठोर बनी रही। इतने में वो हिम्मत आ जाएगी, मिस ने ये भी कहा था कितने बच्चों को दोपहर बार भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही है क्या? इतना डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कसूर माफ कर दिया गया। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किसी चीज़ का, मैंने कहा कोई गलती की है, पर कुछ बोल नहीं भाई, इसकी आवाज़ रुंध गई। अब दादी माँ ने पुकारा, पूरियाँ ठंडी पड़ रही। तुलतुल मुँह कठोर बनाकर वैसी बैठी रही। इसके बाद ही माँ ये कहकर नखरा हो रहा, इतने सचमुच बर्तन मांजना और कपड़े धोने के लिए कहा गया, सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है, तू क्या समझेगी कोई तुम्हें बेमतलब डांटना थोड़ा ही चाहता है, ले अब चलो खाना खा ले, ज़्यादा नखरे की जरूरत नहीं। तुलतुल गुस्से में बोली, मैं नहीं जाती, जाओ मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है आने तो तुम्हारे बाप को लाड़ली बेटी को इतना प्यार करने का मजा भी देख लें, बेटी की हमें यहाँ मिलाकर टुनी को स्कूल में दाखिला देना अच्छा रहेगा, पर तू सोच टुनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का कैसा गुजारा होगा। टुनी किस कितना हाथ बटाती, तुलतुल के गले में दुगनी ताकत थी, झटक कर बोली, यही तो खराब है, मिस ने कहा छोटे बच्चों से काम करना बहुत बड़ा पाप है, तुम सभी पापी हो,
पर माँ इस भयंकर बात को सुनकर भी नहीं घबराई बल्कि हंसकर बोली, क्या करूँ? तो बोल, पापी संसार में जन्म लिया, पापी बनकर रह रही हूँ। इस दुनिया में नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मेरी है नहीं, और अगर ऐसा ना किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होगा। तू जब बड़ी होगी तो उसे बदल डालना, तू और तेरे दोस्त सभी मिलकर हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना। इस बात से ना जाने क्या हुआ, अचानक तुल बेखलक कर रो उठी। माँ से लिपट कर बोली, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पुलट जाऊँ, तो अगर बेवकूफ़ बन जाऊँ, तो अगर ये भूल जाऊँ कि सभी लोग एक समान, आशा पूरा देवी कहानी से। तो इस कहानी का सार ये था कि बच्चों को और हम किताबों में बहुत सी अच्छी बातें पढ़ते हैं, लेकिन हम उनको जीवन में नहीं ढाल पाते और नहीं ढालते हैं, और उसके पीछे कुछ न कुछ मजबूरी बता देते हैं। तो आप इसका मनन करें, आशापूर्ण देवी कहानी से स्कूल से लौटने पर तुल मुंह फड़ाकर क्यों बैठ गई, ये सही प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज कर सुनकर करें, इनको लिखें अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में। और भाषा की बात, मुंह फुलाना, हाथ बटाना, मजा चकाना, सर पर भू सवार होना, कोई ये वाक्य प्रयोग जरूर किया करें, ये बहुत ही यूनिफॉर्म, फ्रॉक, हुक्म, माफ़, ये शब्द कहाँ से आए? ये सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। और झाड़ू पोछा, दुबली पतली, हाथ मुँह लड़के लड़कियाँ, अंगला पाठ रहेगा मन भावन सावन, और सावन का माँ भी चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।